कमेंट ओपन कर दीजिए। चलिए भाई सब लोग गुड मॉर्निंग, राम राम, जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। मैं रवि आप सब लोगों का इस करंट अफेयर में स्वागत करता हूँ। होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो एक बार जल्दी जल्दी फटाफट से उनको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और पेन कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाइए ना, क्योंकि डिस्कस करने वाले हैं सभी तमाम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसके अलावा जल्दी से बता दो कि आप लोगों की क्या हाल चाल है, देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं आपका अपना सेशन। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। सबसे पहले आप सब लोगों को पता है कि आप सब लोगों को जुड़ जाना है किसके साथ में, एग्जाम्पल का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, वहां पर आपको टाइप करना पड़ेगा बेटा क्या, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल टाइप करोगे तो आपको कुछ ऐसी सी एक एप्लीकेशन आपके सामने ओपन होगी, एग्जाम्पल सरकारी नौकरी प्रिपरेशन। इसको क्या कर देना, आपको इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन आएगी इसको आप क्या कर देना है, फिल कर देना है। ठीक है, जो भी कोई इंफॉर्मेशन आएगी आपको उसको फिल कर देना है। इसके साथ ही जो है देन फिर आपके सामने जो है एक ऐसा सा जो है एक यूजर इंटरफेस आपके सामने आएगा, और यहाँ एक अच्छी खासी जो है एक ऑप्शन होता है क्विज का। मैं बार बार बोलता हूँ क्विज दीजिए, क्योंकि क्विज दोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी तो उससे सिंपल सी बात है, आप नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो ज्यादा कर पाओगे, और ज्यादा कर पाओगे तो सिंपल सी बात है आपकी कट ऑफ जो है जो आजकल हाई रहती है एग्जाम में, आप उसको इजिली क्रैक कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये वाली बात आपको याद रखना है। गुड मॉर्निंग भाई सब लोगों को, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए आप सब लोग जल्दी जल्दी से। देन इसके बाद बात करते हैं कि आप सब लोगों के लिए गरुड बैच जो है वो अभी भी अवेलेबल है। आपको यूज करना है EWD, है ना, एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर जो है 50 आपको कोड वर्ड यूज करना है। ये यूज करोगे कोड तो आपको सिंपल सी बात है जो NDA जिसके लिए आप फाउंडेशन बैच जो 1499 में आपको यहाँ पर जो है वो इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा एयरफोर्स XY की तैयारी कर रहे हो, इंडियन नेवी की, कोस्ट गार्ड की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको जो है 1199 एनरोलमेंट चार्ज आपको पे करना है। अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अमाउंट पे करना है 999। इसमें सारी की सारी वो तमाम चीजें आपको मिल जाएंगी जो आपको सिलेक्शन दिलवाने के लिए कारगर साबित होंगी। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी चीजें, तो गरुड़ के साथ में अभी अगर अभी तक अगर कोई इनरोल नहीं हुआ तो आप इनरोल हो सकते हो उसके साथ में। ठीक है, चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आज का आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। ये रहा कि विश्व एड्स दिवस जो है कब मनाया जाता है, बताइए। पूरे दुनिया भर में, पूरे वर्ल्ड में जो है वो वर्ल्ड एड्स डे जो है वो कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइए आप सब लोग एक बार। जल्दी से बताइए सब लोग, गुड मॉर्निंग सब लोगों को, बताइए आज का आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, हमको छोड़कर कहां गए थे, जीवन है बेटा आना जाना लगा रहता है। ठीक है ना, पर कभी कभी क्या होता है कोई आता कोई जाता है तो लाइफ इफेक्ट होती है, पर जीवन जो है वो आना आता जाता आने जाने की चीज ही है। ठीक है ना, बिल्कुल सही, 1 दिसंबर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और इक्वलाइज जो है बराबरी जो है उसकी क्या हो जाएगी, थीम हो जाएगी। तो याद है ना बेटा वर्ल्ड एड्स डे जो है, तो याद है ना पहली बार जो है, पहली बार कब बनाया गया, तो 1988 में पहली बार बनाया गया था, याद रखना। थीम के बारे में बात करें तो 2022 की जो थीम हो जाएगी बेटा वो क्या हो जाएगी, इक्वलाइज, या क्या कर सकते हो बराबरी। बराबरी जो है वो थीम हो जाएगी बेटा, याद रखना 2022 की। पहली बार कब बनाया गया था, 1988 में बनाया गया था। यहां पर दो टर्म्स यूज होती हैं, एक टर्म जो यूज होती है जिसको आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या कोई बताएगा जरा मुझे सबसे पहले,
कि जो एक वर्ड यूज होता है, हम इसको बोलते हैं HIV एड्स बोलते हैं ना, तो कोई बताएगा HIV की वी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, दूसरा एड्स की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, क्या कोई बताएगा HIV की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी और एड्स की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, बताइएगा। बिल्कुल, एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स एड्स की फुल फॉर्म हो जाएगी, HIV वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया राहुल। HIV की फुल फॉर्म कोई बताएगा जरा, HIV की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, चल बिल्कुल, ये दोनों चीजें बहुत बार पूछी गई और खासकर SSC के एग्जाम में जरूर पूछी गई बेटा, तो याद रखना HIV की फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो ह्यूमन अम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, तो याद रखना बेटा एड्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो वायरस रिस्पॉन्सिबल है, याद रखना जरा, एड्स किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। अब एड्स के बारे में बात करें एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी सॉरी सिंड्रोम, एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो एड्स हो जाएगा, ठीक है ठीक है। सेबो आर में आपका सही था, मैंने देख लिया था बेटा, डोंट वरी, ठीक है चलिए। तो यहां पर ये दो चीजें जरूर याद रखनी बेटा, ये दो चीजें जरूर याद रखनी है, याद रखना ठीक है ना। एक एलिसा टेस्ट होता है, किसके लिए होता है, याद रखना एलिसा जो है वो बेसिकली अगर बात की तो टेस्ट होता है किसके लिए, तो याद है ना एड्स के लिए, ये लास्ट ईयर SSC में पूछा गया था आपके एग्जाम में, SSC CGL भी चल रहा हो, आप सब लोगों ने अगर भरा होगा तो ठीक है ना, ठीक है। तो एलिसा टेस्ट जो है वो किसके लिए होता है, बेसिकली अगर बात करें तो किसके लिए होता है, एड्स के लिए होता है, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार किसे मिला है, तो बताइए जरा, द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड इन द USA किसको मिला है, बताइए जरा आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। गुड मॉर्निंग सब लोगों को भाई, वहां पर अगर आपसे एक चीज और पूछी जा सकती है, अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कब बनाया जाता है, तो याद रखना 18 मई को बनाया जाता है, अगर आपसे कोई पूछे एड्स वैक्सीन डे, ठीक है ना, तो एक चीज और आप याद रखना, एड्स वैक्सीन डे कब बनाया जाता है बेटा, 18 मई को बनाया जाता है, तो 18th ऑफ मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे बनाया जाता है और 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे बनाया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आपको थोड़ा सा याद रखना है, नहीं दलाई लामा गलत आंसर हो जाएगा आपका, जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्री 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 रविशंकर, ठीक है ना, तो श्री 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 रविशंकर प्रसाद जो है इसको, इनको याद रखना, इनको जो है द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड मिला है अमेरिका की साइड से, इतना सा आपको याद रखना है, श्री श्री रविशंकर आपको क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है चल आगे बात कर लेते हैं। आपका अगला, मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइंस का विलय कर दिया जाएगा, तो कहने का मतलब यह है कि 2024 तक जाते जाते एयर इंडिया जो है उसके अंदर जो है एक कंपनी जो है उसको विलय कर दिया जाएगा, उस कंपनी का नाम क्या है, और दूसरा ये भी बता दीजिए कि वो कंपनी कहाँ की है, मतलब किस जो है देश की जो है वो कंपनी है, ठीक है ना। बिल्कुल, 1 दिसंबर को नागालैंड डे भी मनाया जाता है और 1 दिसंबर को BSF का भी फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है बिल्कुल सही, विस्तारा आपका सही आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया विस्तारा, तो याद है ना बेटा विस्तारा जो है वो सिंगापुर बेस्ड एयरलाइन से, याद है ना किसकी, सिंगापुर बेस्ड, सिंगापुर की जो है ये आपकी एयरलाइंस है और इसको ऑब्वियसली टाटा ग्रुप ने जो है उसको क्या कर रखा है, उसको जो है ले रखा है,
ठीक है ना, यहाँ पर किस में, तो एयर इंडिया में हो जाएगा। एयर इंडिया के बारे में आप सबको पता होगा, एयर इंडिया पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास थी। एयर इंडिया के बारे में बात करें तो जिसकी बेसिकली कह सकते हैं कि स्थापना के बारे में बात करें तो 1932 के अंदर आया था जेआरडी टाटा साहब। जेआरडी अगर बात करें, टाटा जो है वो फाउंडर हो जाएंगे, इसके फाउंडर थे। क्या कोई बताएगा अभी सीईओ कौन है एयर इंडिया के, कोई बताएगा जरा? भतीजा, अभी हाल ही में, ठीक है ना, एयर इंडिया के सीईओ बनाए गए हैं। भतीजा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसी को पता है? चलो, चलो मैं बता देता हूं। जो हो जाएंगे सीईओ, जो हो जाएंगे बेटा, वो याद रखना जरा, वो हो जाएंगे कैंपबेल विल्सन, ठीक है ना। कैंपबेल विल्सन जो है हाल ही में जो है ये सीईओ अपॉइंट की गई थी, याद रखना जरा। टाटा सन्स के चेयरमैन आपको पता होगा चंद्र शेखरन हो जाएंगे, टाटा सन्स जिसमें सारे के सारे ग्रुप वो जो है ना, वो सारे के सारे चीजें। अभी हाल ही में साइरस मिस्त्री जो है, जिनका कार एक्सीडेंट में जिनकी मृत्यु हुई थी, वो भी जो है वो टाटा के ग्रुप के जो है चेयरमैन रह चुके थे। तो थोड़ा वो टाटा जो है उससे रिलेटेड वो आपकी चीज है, थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो एयर इंडिया 1932 में आया था, हेडक्वार्टर आपको ऑब्वियसली जीआईडी टाटा फाउंडर हो जाएंगे, सीईओ जो है वो कैंपबेल अगर बात करें, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चल अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में एएमएलएन क्या बोला गया है, अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया है। तो जल्दी से बता दीजिए कि किस राज्य ने जो है ये आपका अमल अगर बात करें तो प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया है, जल्दी से बताइएगा, ठीक है ना। तो एम्बलेन प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया किस राज्य के द्वारा, गुजरात के द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा। अनीमिया आपको पता होगा खून की कमी है ना महिलाओं में बेसिकली, और जो गर्भवती महिलाएं होती है वहां पर, तो ये केस भारत में बहुत आता है कि महिलाओं में खून की कमी जो है ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होती है। तो खून की कमी जब हमारे शरीर के अंदर होती है तो उसको अनीमिया बोल दिया जाता है। बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, गुजरात तो गलत आंसर हो जाएगा वैसे तो। बिल्कुल सही, चल नहीं, गुजरात गलत आंसर हो जाएगा, पर जो सही आंसर हो जाएगा वो उड़ीसा हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। तो याद है ना, उड़ीसा जो है क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा के बारे में बात करें तो उड़ीसा की राजधानी क्या हो जाएगी, भुवनेश्वर हो जाएगी बेटा, भुवनेश्वर राजधानी हो जाएगी। बात करें तो उड़ीसा के सीएम जो है और गवर्नर, जल्दी से बता दीजिए सीएम और गवर्नर कौन हो जाएंगे उड़ीसा के, उड़ीसा के सीएम और गवर्नर कौन हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में जो है उड़ीसा ने कहा है कि उन्होंने जो है एक अवार्ड स्टार्ट किया, उड़ीसा ने अभी हाल ही में जो है एक अवार्ड स्टार्ट किया है, उसका नाम हो जाएगा, उड़ीसा ने हाल ही में एक अवार्ड स्टार्ट किया है बेटा, और उड़ीसा का उसका अवार्ड का नाम हो जाएगा, आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना, ठीक है ना, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना। तो जो लेटेस्ट चीजें मैं बता देता हूं आपको, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना, ठीक है, हाल ही में 10 नवंबर को जो है इन्होंने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में बनाना स्टार्ट किया है, बाजरा दिवस, ठीक है ना, याद रखना। मिशन बाजरा किसने स्टार्ट किया, तो मिशन बाजरा जो है छत्तीसगढ़ के साथ साथ, याद है उड़ीसा का भी जिसमें इसमें रोल हो जाएगा, वैसे दोनों राज्य इसमें आगे बढ़ रहे हैं पर उड़ीसा प्लस में छत्तीसगढ़ दोनों का इसमें रोल हो जाएगा, याद रखना। 10 नवंबर को बाजरा दिवस बनाया गया किसकी साइड से, उड़ीसा की साइड से, इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है। गणेशी लाल और नवीन पटनायक, बिल्कुल सही, ठीक है ना। गणेशी लाल ठीक है,
याद है ना, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना किसकी हो जाएगी, या आपकी उड़ीसा की हो जाएगी, इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा अभी हाल ही में अगर बात करें तो वैदिक स्कूल खुला है भारत का दूसरा, कहां पर, पुरी में। फुटबॉल फॉर ऑल योजना स्टार्ट की गई है, फुटबॉल फॉर ऑल, फुटबॉल फॉर ऑल योजना स्टार्ट की है, याद रखना जरा। बाल बाल मित्र पुलिस स्टेशन, बाल मित्र पुलिस स्टेशन, चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन बेटा, कितने थे 16, तो 16 बाल मित्र है ना, कितने 16, 16 बाल मित्र पुलिस स्टेशन दिखाई दे रहा है नीचे से, हाँ ठीक, 16 बाल मित्र पुलिस स्टेशन जो है वो स्टार्ट की गई, याद रखना जरा, ठीक है ना, इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है ना। भारत का पहला एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रैक, याद रखना जरा, लिख देता हूं, भारत का पहला एल्यूमिनियम, भारत का, याद रखना बेटा, भारत का पहला एल्यूमिनियम ट्रैक कहां पर, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, याद रखना बेटा, ठीक है ना। 1 अप्रैल को अपना 87 स्थापना दिवस बनाया, उत्कल दिवस जिसको बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। सफल पोर्टल किसका हो जाएगा, सफल पोर्टल, सफल पोर्टल उड़ीसा सरकार का हो जाएगा, नुआखाई, राजा प्रभा, बाईतो बंदना, एक और था सुरल षष्ठी करके शायद कुछ था, ये कुछ त्योहार बनाए गए उड़ीसा के अंदर, ठीक है। टॉप टीकाकरण अभियान में टॉप रहा आशीर्वाद योजना, कालिया योजना, नेशनल खाद्य सुरक्षा अधिनियम में टॉप पर, बैंक सखी योजना, हॉकी हब, जीआई टैग या काई चटनी को, नुआखाई महोत्सव, ई पाठशाला, बिल्कुल बहुत बढ़िया बेटा। गंजम डिस्ट्रिक्ट बाल विवाह मुक्त हो जाएगा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, ठीक है ना, ठीक है। और शीतल षष्ठी, याद रखना, शीतल षष्ठी, शीतल षष्ठी, ये कुछ त्योहार हैं, याद रखना बेटा, कौन कौन सा, नुआखाई, राजा प्रभा, बोईतो वंदना, शीतल षष्ठी, ये क्या है, महोत्सव बनाए गए, ये महोत्सव बनाए गए हैं, याद रखना। ई पाठशाला, ई मूल्यांकन, ई पाठशाला, ई मूल्यांकन, ई पाठशाला, ई मूल्यांकन, याद रखना बेटा, ठीक है ना। अभी हाल ही में हीराकुंड जलाशय, याद रखना बेटा, हीराकुंड जलाशय जो है वो नई रामसर साइट चुनी गई है, रामसर स्थल, याद रखना, रामसर स्थल चुना गया, याद रखना, हीराकुंड जलाशय बेटा, ठीक है ना। टॉप रहा किसमें, याद रखना जरा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम में, फूड सिक्योरिटी एक्ट में, खाद्य सुरक्षा में, खाद्य सुरक्षा, और प्लस में बेटा याद रखना किसमें, टीकाकरण में, टीकाकरण में, टीकाकरण में, इन दोनों जगह जो है आपका जो उड़ीसा जो है वो क्या रहा है बेटा, आपको याद रखना है टॉप पर रहा है, इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है ना, टॉप पर रहा है, इतना सा आपको याद रखना है बेटा। चलिए, तो गंजम जिला जो है, ठीक है ना, गंजम जिला जो है वो बाल विवाह मुक्त हो जाएगा, कहां का, उड़ीसा का, गंजम जिला बाल विवाह मुक्त, बाल विवाह मुक्त जो है, ठीक है ना। राष्ट्रीय योगासन चैंपियन कहां पर, राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप ये कहां पर हुई, याद है ना बेटा, भुवनेश्वर में हुई, ठीक है ना, भुवनेश्वर में हुई। हॉकी हब हो जाएगा, हॉकी हब जो है, ठीक है ना, ये सारी की सारी टी सेतु पुल कटक के अंदर हो जाएगा, टी सेतु पुल,
कालिया योजना, आशीर्वाद योजना, वो बहुत पुरानी हो जाएंगी। मैं हो जाता हूँ साइड में, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी को नहीं समझ पाया तो एकदम फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना? ठीक है, हाँ हॉकी वर्ल्ड कप भी यहीं पर होगा, हॉकी वर्ल्ड कप भी बिल्कुल यही होगा, ठीक है ना? हॉकी वर्ल्ड कप भी 2023 का यहीं पर होगा। भारतीय पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला यहीं पर है, जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला, भारत की पहली जनजातीय, लिख देता हूं, पहली जनजातीय ट्राइबल जनजातीय वेधशाला, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 भी यहीं पर। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं जल्दी जल्दी से आप लोगों के लिए, भारत का पहला एल्युमिनियम फ्रेट ट्रैक कहां पर? भुवनेश्वर स्टेशन के ऊपर बेटा। 1 अप्रैल को 87वां स्थापना दिवस मनाया, जिसको हमने उत्कल दिवस भी बोलते हैं, उत्कल दिवस, ठीक है। सफल पोर्टल किसका? उड़ीसा सरकार का। नुआखाई, राजपरबा, बायतो बंदरा, शीतल षष्ठी महोत्सव बनाए गए। ई पाठशाला, ई मूल्यांकन, वहां दोनों योजनाएं हो जाएगी। हीराकुंड जलाशय को वाटर रिजर्व को रामस्थल चुना गया है। टॉप पर रहा है खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, और दूसरा टीकाकरण के अधिनियम, टीकाकरण, ठीक है ना। गंजम जो है बाल विवाह मुक्त जो है वो जिला घोषित किया गया है, याद रखना। भुवनेश्वर जिसको स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, याद रखना, लिख लीजिए, स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? भुवनेश्वर को कहा जाता है। सीएम नवीन पटनायक हो जाएंगे गवर्नर गणेशी लाल। पहली जनजातीय वेधशाला उड़ीसा में आई है, याद रखना। मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो कहां पर होने वाला है अगले साल 2023 में? उड़ीसा में ही होने वाला है। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना उड़ीसा ने स्टार्ट की है। 10 नवंबर को बाजरा दिवस किस राज्य ने बनाना स्टार्ट किया है? तो याद रखना उड़ीसा ने बनाना स्टार्ट किया है। मिशन बाजरा या उड़ीसा जो है छत्तीसगढ़, दोनों का ये हो जाएगा। वैदिक स्कूल खुला पुरी में, दूसरा वैदिक स्कूल हो जाएगा। बाल मित्र पुलिस स्टेशन खुले हैं कितने? 16। और फुटबॉल फॉर ऑल जो है वो योजना हो जाएगी। राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप भुवनेश्वर में खत्म हुई। हॉकी हब, टी सेतु पुल, आशीर्वाद योजना, कालिया योजना, ये सारी की सारी चीजें किससे बिलोंग करती है? उड़ीसा से बिलोंग करती है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का अम्बेसडर किसे नामित किया गया है? तो निक्षय मित्र जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो एक कहने का मतलब ये लगा लो कि भारत सरकार की जो प्रोग्राम है और जो जनता उसके बीच में एक कड़ी का काम करता है, इसके लिए एक ब्रांड एम्बेसडर को बनाया गया। बताइएगा किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? टीबी मुक्त भारत में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, हम टीबी फ्री हो जाएंगे, ये हमारा लक्ष्य है 2025 तक, 2025 तक भारत का लक्ष्य है। और WHO ने कहा है कि पूरे वर्ल्ड को जो है 2030 तक हमें क्या करना है? टीबी को फ्री करना है, टीबी मुक्त करना है पूरे विश्व, ठीक है ना, याद रखना। तो भारत का लक्ष्य 2025 तक है, WHO का लक्ष्य जो है वो 2030 तक है। टीबी डे सबको पता होगा, ठीक है ना, बताइएगा वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? ओके, नोटेड नोटेड, ठीक है। दीपा मलिक 2030 तक, 2024 मार्च, बिल्कुल सही। तो 24th of March आपका सही आंसर हो जाएगा पहली बात तो, और यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दीपा मलिक हो जाएगा। दीपा मलिक जो है वो एम्बेसडर जो है ना टीबी मुक्त भारत जो है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जो है, जिसकी शुरुआत जो है राष्ट्रपति जी ने की थी अभी कुछ 1 या 1.5 महीने पहले ही। 2025 तक हमें टीबी को खत्म करना भारत में, WHO ने कहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि वो 2030 तक जो है हम टीबी को खत्म कर देंगे, पर भारत कह रहा है 2025 तक। और एक रिपोर्ट आई है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो मरीज टीबी के जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो कहां पर है? तो याद रखना भारत में है। दुनिया के जो मैक्सिमम मरीज जो टीबी के वो कहां पर है? भारत में। इतना सबको याद रखना है, फिर भी सरकार कह रही है कि 2025 तक, तो होपफुली हो जाए, ठीक है ना। चल आगे बात करते हैं, आपका अगला क्वेश्चन। पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी बनने के लिए कौन तैयार है? तो कल मुकाबला हुआ कोस्टा और जर्मनी के बीच में, तो कोस्टा और जर्मनी के बीच के अंदर जो मुकाबला हुआ फीफा वर्ल्ड कप का, उसी दौरान जो है एक इतिहास बना है, याद रखना जरा, किस किस के बीच में? तो जर्मनी, याद रखना, जर्मनी और प्लस में कोस्टा रिका, रिका के जो फीफा मैच में, याद है ना, फीफा
मैच के दौरान जो वो पहली महिला रेफरी, एक्चुअली याद रखना इस मैच में सारी की सारी रेफरी जो हम महिलाएं थी, याद रखना फ्रांस की हो जाएंगी, फ्रांस की है ये। कोई नाम बताएगा जरा, कोई नाम बताएगा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल सबका सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, क्या बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आपका नाम क्या हो जाए बेटा? स्टेफनी फ्रॉम फ्रॉम पार्ट हो जाएगा ना, फ्रॉम पार्ट, ठीक है ना। तो याद रखना जरा कौन हो जाएगी, स्टेफनी। याद रखना ये कहाँ की हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी फ्रांस की, जरूर याद रखना, ठीक है। इतना तो आपको याद होगा। फीफा के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है ना। 1904 में इसकी स्थापना हुई, हेडक्वार्टर फिलहाल कहाँ पर है तो याद रखना बेटा ज्यूरिख में हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। और गियाने इन्फिएंटो, यानी इंटरव्यू पे क्या हो जाएंगे, हेड हो जाएंगे। अभी 2022 का जो चल रहा है वो चल रहा है कहां पर, कतर में, और 2026 का जो होगा वो होगा कहां पर बेटा, याद रखना यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, ठीक है ना। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, मेंस की बात कर रहे हैं बेटा, वुमेन की बात करेंगे तो वुमेन वाला जो है वो 2023 में ही होगा, कहां पर, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होगा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होगा, याद रखना। अभी इंडिया में फीफा अंडर 17 हुआ था, फीफा अंडर 17 कहां हुआ था, भारत में हुआ था, और विजेता कौन था याद रखना, तो विजेता कौन रहा बेटा, स्पेन जो है वो विनर रहा। भारत का पहला मैच अमेरिका के साथ, पहला मैच जो है वो किसके साथ था, यूएसए के साथ, ठीक है बेटा। और ये मैच मैच कहाँ खेले गए थे, तो पुणे और मुंबई में खेले गए, पुणे और मुंबई में मैच हुए थे, इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है, ओके। अमेजिंग इफेक्ट बिटू, अभी मैं बता रहा हूं कि आपकी स्टेफनी फ्रैंकफर्ट सामने लिखा गया, इसके अलावा भी आप योसिमिनी योशमिता बोल रहे हैं। अगला, किस संग्रहालय ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 का यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार जीता है? तो बताइएगा, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन किसको मिला है? तो एक्चुअली बेसिकली याद रखना, भारत की चार जगह, भारत के अंदर जो चार संस्थाएं हैं उनको ये अवार्ड मिला है। किसी को स्पेशल कैटेगरी के लिए मिला गया है, किसी को अगर बात के तो मेरिट के लिए मिला गया है, और किसी को जो है वो स्पेशल, ठीक है। तो याद रखना जो चार संस्थाएं उनमें से एक संस्था का यहां पर मैंने जिक्र किया, तीन को मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, जो भी ऑप्शन नंबर सी बोलना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय आपका सही आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो याद रखना चार चीजों की मिला, ये कहां पर हो जाएगा, तो ये तो मुंबई में हो जाएगा, तो चार को मिला बेटा, मैं चारों के नाम लिख देता हूं। तो पहले का अगर हम डिस्कस करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, ये आपको कहां पर देखने को मिले बेटा, मुंबई में। इसके अलावा याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, गोलकुंडा की बावड़ी, इसको स्पेशल अवार्ड मिला, गोलकुंडा की बावड़ी ऑब्वियसली कहां पर हो जाएगी, हैदराबाद में हो जाएगी, गोलकुंडा का किला आपको पता है हैदराबाद में। इसके अलावा बेटा
डोम कोंडा किला, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, डोम कोंडा किला। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा डोम कोंडा किला हाल ही में न्यूज में रहा, कहां पर हो जाए, तो डोम कोंडा किला हो जाएगा बेटा तेलंगाना। इनको मेरिट पुरस्कार मिला है डोम कोंडा किला को। और याद रखना भायखला स्टेशन, भायखला स्टेशन मुंबई। इनको मेरिट का पुरस्कार मिला है और उनको स्पेशल कैटेगरी का विशेष पुरस्कार मिला। तो चार अवार्ड है, इन दोनों को मेरिट पुरस्कार, मेरिट इसको भैया विशिष्ट पुरस्कार, स्पेशल कैटेगरी। समझ में आ गया? अब यूनेस्को के बारे में बात करते, सबको पता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को 1945 में आया था, हेडक्वार्टर पेरिस में हो जाएगा, पेरिस में हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। और भाई साहब जो हेड हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे यूनेस्को के, आंद्रे अजोले। ठीक है, भानु प्रताप और निधि जो भी है आपस में मत लड़ो और ना ही कुछ ऐसा करो, ठीक है, मन लगाकर पढ़ लो। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते। क्या कह रहा है, वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे हुए 48,500 साल पुराने जोम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है? तो जोम्बी जिसके बारे में आप जानते हो कि एक तरह का जिंदा लाश ही होता है इंसान उसमें, ठीक है ना, अपना दिमाग काम नहीं करता। जोम्बीज के ऊपर आपने बहुत सारी चीजें भी देखी होंगी, मूवीज भी आपने देखी होंगी, ठीक है ना। चलिए बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। कहां पर, तो याद रखना मैं बता देता हूं कि फ्रांस के वैज्ञानिकों ने ये खोज निकाला है, बताइए किस किस देश के अंदर। ओके, चलो मैक्सिमम को गलत आंसर आ रहा है, चलो कोई ना मैं बता देता हूं। तो याद है ना फ्रांस के वैज्ञानिकों ने रूस के अंदर, याद है ना रूस के जो साइबेरिया वाला इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, साइबेरिया, तो साइबेरिया की झील में जो है अड़तालीस हजार पांच सौ साल पुराना फ्रांस के वैज्ञानिकों ने इस जो जोम्बी वायरस है उसके बारे में पता लगाया है। ठीक है, इतना सा आपको याद है, फ्रांस के वैज्ञानिकों ने वो जोम्बी वायरस का पता लगाया कहां पर, ठीक है, रूस के अंदर। इतना सा आपको याद है रखना है, ठीक है। रूस सबको पता है, मॉस्को, रूबल मुद्रा हो जाएगी, व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति हो जाएंगे, इंदिरा और अभिंद्रा तो एक्सरसाइज ही
युद्ध अभ्यास जो हम करते हैं S-400 और AK-203 राइफल रूस से हमने ली है, बर्मोस रूस प्लस इंडिया का एडवेंचर, ठीक है ना, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें। आरएस सम्राट जो है, आरएस 28 बोल दीजिए शायद, और ये सम्राट बोल दीजिए, मिसाइल है रूस की, दुनिया की सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल हो जाएगी RS-28 या सेमरेट, ठीक है। पीडीएफ मिलेगा आपका ये दिल मांगे मोर या @MajorSaab PDF टेलीग्राम पे जाना, सर्च करना @MajorSaabPDF, आपको वहां पर मिल जाएगा। बाकी कमेंट में लिख दीजिए भाई, जो @MajorSaabPDF जो हैंडल है उस पर एक बार लिख दीजिएगा ताकि लोगों को पता लग जाए, ठीक है। चल आगे, किसने मुंबई की धारावी पुनर्विकास परियोजना को रुपए के साथ में जीता है? ओके, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, याद है ना। तो धारावी जो एशिया का सबसे बड़ा सलाम एरिया है, सलाम बोल दीजिए, है ना, सलाम नहीं सलाम। इसको याद आना बेटा अडानी ग्रुप में 5069 करोड़ में जो है, और बोल दिया कि 7 साल में इसका 7 साल टाइम मांगा है, 7 साल। तो वहां पर जो झुग्गी झोपड़ी उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, और उसको उनको नए फ्लैट और जो बेसिकली जो सुविधाएं हैं वो सारी की सारी प्रदान की जाएगी। तो इस बोली को जो है वो अडानी ने ऑब्वियसली कोई दो राय नहीं है, ना ही इसमें कोई अचंभे वाली बात है, ठीक है ना, कि अडानी ग्रुप के अलावा किसी और के पास ही जाता, ठीक है। तो अडानी ग्रुप ने जीती है, याद है ना, 5069 करोड़ की बोली जीती है, याद रखना जरा, 7 साल में एशिया की जो सबसे बड़ी झुग्गी जो है धारावी जो है उसको जो है क्या कर दिया, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जो है किसने जो है ना वो बोली जीती है, तो याद आना अडानी ग्रुप ने जीती है, ठीक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, एक काला दिन कह सकते हैं, और वो होते ना कि कुछ लोग होते हैं जिसको हम अपना समझते हैं, है ना, पर टाइम के रहते रहते पता लगता है कि जिसको हम इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं या कोई और चीज है तो वो हमारे पास या हमारे लायक ही नहीं है, ठीक है ना। तो सेम वैसी ही है कि 27 से 28 साल जो है वो NDTV को देने के बाद रवीश कुमार उनको इस्तीफा देना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो सारी की सारी चीजें दुनिया है ना। चल कहना तो बहुत कुछ आ रहा, पर चलिए कोई बड़ी बात नहीं, बिना प्रैक्टिस के आप किसी भी काम में परफेक्ट नहीं होते, तो सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस करते रहिए। आप लोगों का जो स्टूडेंट लाइफ है उस ये सबसे बेस्ट फेज होता है जीवन का, आप उसको आनंद लीजिए, इसका पढ़ाई कीजिए पूरे मन धन से, ठीक है ना। एफर्ट डालिए, नई चीजें सीखिए, कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपके रिगार्डिंग फैकल्टीज हैं, जो भी कोई आपका जो आइडियल पर्सन है, माता पिता है, उनसे सलाह लीजिए, उनसे बातें शेयर कीजिए, उनसे पूछिए, जानिए कहाँ पर आप कमी है आप लोगों में, ठीक है, उन कमियों को पहचानिए, टाइम रहते उसको दूर कीजिए। जो भी एग्जाम आपके आ रहे हैं उन सब एग्जाम्स के आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है ना, यही चीज है। बाकी और किसी चीज में ध्यान लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, एनर्जी कहीं और वेस्ट करनी ही नहीं है, ठीक है ना।
ये कुछ टाइम पीरियड है, इसमें अगर आपने सब कुछ कर लिया, कहने का मतलब अपनी पढ़ाई के बाबत आपने सब कुछ कर लिया, तो जीवन जो है वो आसान हो जाता है, ठीक है ना। और ये कड़वी सच्चाई है, जिस दिन आपको ये समझ में आएगा, मैं नहीं चाहता कि उस टाइम पर आपके पास समय ना हो कि काश मैं पढ़ लेता या मैं कर लेता, ठीक है। तो आपके जो बड़े लोग हैं, आपसे जो बड़े हैं, वो हमेशा आप लोगों को डांटते फटकारते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं, वो सिर्फ इसलिए बता देते रहते हैं क्योंकि जीवन के उस पड़ाव से वो गुजर चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं भी जब कहता हूँ कि पढ़ लो, यहाँ पर चिटबाजी मत करा करो, जरा हाय हेलो हेलो निधि और ये सब चीजें, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। चल आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपके प्रैक्टिस को परफेक्ट बनाने के लिए आप लोगों के पास गुरुड फाउंडेशन बैच, आप बिल्कुल इसमें इनरोल कर सकते हैं। आपको कोडवर्ड जो यूज करना पड़ेगा बेटा, वो कोडवर्ड आपको यूज करना पड़ेगा EWD50। आपको 50% आपको सीधा फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है इसमें। NDA फाउंडेशन बैच बहुत जरूरी हो जाता है, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं 1499 में। इसके अलावा आपका एयरफोर्स XY जो 2023 में अभी स्टार्टिंग में आपका आ जाएगा, इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड वगैरह की ये सारी की सारी चीजें, इंडियन आर्मी का बैच, ये सब जो है ना आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। और आपको सारी की सारी चीजें आपको बिल्कुल एक बेहतर ढंग से आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं आपका यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किए गए हैं, बताइए जरा। बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा कि, तो लक्ष्मी सिंह हो जाएंगी, याद रखना नोएडा पुलिस, लक्ष्मी सिंह जो है नोएडा पुलिस, मतलब गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर जो है वो किसको नियुक्त किया गया है, लक्ष्मी सिंह को नियुक्त किया गया है। ये 2000 वाला जो कैडर बैच है उसमें जो है IPS हो जाएंगी, और ये जो है फिलहाल अगर बात करें तो, ठीक है ना, ठीक है, इतना आपको याद है रखना है बेटा, ठीक है। आगे बढ़े, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला गया सर, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन के VIC चेयरमैन आपको पता होना चाहिए मनोज कुमार है। इन्होंने एक रीहब प्रोजेक्ट बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन विच डिस्ट्रिक्ट, इन्होंने एक रीहब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, तो बताइए। तो पहले बात तो KVIC की फुल फॉर्म यहाँ पर आपके सामने लिखी गई है, जिसको नहीं पता लिख लीजिए, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, ठीक है ना। क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये कौन बनाए गए थे, ये मैं आपको उस टाइम पे मैं भी बताना भूल गया, क्योंकि जब विनय कुमार सक्सेना जो है 1957 में इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर हो जाएगा बेटा, KVIC का हेडक्वार्टर तो याद रखना जरा मुंबई में हो जाएगा, मुंबई में हो जाएगा। फिलहाल अगर बात करें तो मनोज कुमार जो है वो हेड है, मनोज कुमार कौन है, हेड है। और बहुत बार पूछा गया कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो याद रखना बेटा ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज MSME मंत्रालय के अंदर आता है, बहुत बार पूछा गया है। अब की बार ऐसे क्वेश्चन पूछने का एक ट्रेंड सा चला हुआ है कि किसी के कमीशन के बारे में बोल देंगे, बताइए जरा वो किसके अंदर है। जैसे नीति आयोग के बारे में बहुत बार बोला गया है, तो नीति आयोग आपको पता है किसके अंदर आता है, बताना जरा, बताइए जरा नीति आयोग किस मंत्रालय के अंदर आता है, बताइए जरा। वैसे ही खाद्य ग्रामीण, ठीक है ना, आपको याद रखना है खाद्य और ग्रामीण उद्योग आयोग जो है उसने एक रीहब योजना स्टार्ट की है, तो याद रखना बेटा कहाँ पर, नैनीताल के अंदर, नैनीताल उत्तराखंड के अंदर, ठीक है ना, नैनीताल उत्तराखंड जो है आपको याद रखना है, सही आंसर हो जाएगा। KVIC की स्थापना 1957 में हुई थी, पहले विनय कुमार सक्सेना थे जो दिल्ली के LG हैं अभी फिलहाल, याद रखना है, ठीक है ना। बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदा। आगे बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन। दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी
हवाई का मोना लाओ लगभग 40 वर्षों के बाद फिर से पटा है। हवाई किस देश का राज्य है? बतीजला। तो पहली बात तो आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में खबरों में रहा मौना लाओ, याद रखना जरा, मौना लाओ जो है वो क्या हो जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा, याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव वोल्केनो हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कहां हो जाएगा? हवाई। और हवाई कहां पर है बेटा, आप सबको पता होगा सर, यूएसए में। कहां पर हो जाए बेटा हवाई, कहां पर है? तो हवाई कहां पर हो जाएगा? नहीं, मालदीव में नहीं होगा राजेश चेरी, मालदीव गलत आंसर हो जाएगा बेटा। रौनक यादव, जापान गलत आंसर हो जाएगा, यूएसए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? यूएसए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपका सही क्वेश्चन जो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा यूएसए, जो आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो यूएसए के अंदर जो है आपको जो है मौना लाओ जो है ये आपका जो है सबसे सक्रिय। अच्छा, भारत के अंदर कौन सा है कोई बताएगा जरा? भारत का जो है एक्टिव ज्वालामुखी जो कहने के कहने का न्यूज में रहा, बताइए जरा भारत के अंदर कौन सा है? भारत के अंदर जो है जो ज्वालामुखी अगर बात कर, बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या कोई बताएगा भारत के अंदर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल प्रिया मैम, बिल्कुल बैरन द्वीप हो जाएगा। बिल्कुल सी, कौन सा हो जाएगा भारत में? तो भारत में जो बात करें तो कौन हो जाएगा? बैरन द्वीप। बैरन द्वीप हो जाएगा कहां पर? अंडमान निकोबार। बिल्कुल आगे बढ़ा। हाल ही में मलेशिया के पुआलाई क्लैंग में भारत और मलेशिया के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ, इस अभ्यास का नाम क्या है? तो पहली बात तो याद है ना कि भारत और मलेशिया के बीच में युद्ध अभ्यास हुआ बेटा, कहां पर हुआ है? मलेशिया में ही हुआ है। कहां पर? पुलाई लैंग में, पुलाई क्लैंग। अब कौन सा हुआ ये बता दीजिए। युद्ध अभ्यास मुझे इतना पता है सर, भारत और अमेरिका के बीच में होता है, इंडिया यूएसए के बीच में होता है, हैंड इन हैंड सर भारत और चीन के बीच में होता है सर। कोबरा वॉरियर्स जो है वो भारत और यूके के बीच में, बेसिकली यूके के अंदर हुआ, भारत ने उस पार्टिसिपेट किया। ये मल्टीनेशनल बहु देशीय ये आपका अभ्यास होता है। तो एक ही बचा कौन सा बेटा? हरी मोई शक्ति। कौन सा? हरी मोई शक्ति आपको याद रखना है, ठीक है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, उदार शक्ति किस किस के बीच में हुआ था बताइए ना? उदार शक्ति हरिमोई शक्ति, जल्दी से बताइए उदार शक्ति किसके बीच में होता? उदार शक्ति बताइए, उदार शक्ति किस किस के बीच में हुआ? बिल्कुल कुआलालंपुर हो जाएगा, रिंगट राजधानी हो जाएगी, बहुत बढ़िया, रिंगट राजधानी कुआलालंपुर। रिंगिट मुद्रा हो जाए। आगे बढ़ते हैं, कौन सा शहर 4 से लेकर 7 दिसंबर तक भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा? G20 मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो ये कहां पर? G20 शेरपा की कहां पर? उदयपुर में, झीलों का शहर, व्हाइट सिटी कहा जाता है इसको। उदयपुर कहां बेटा? राजस्थान।
G20 के बारे में मैं बता चुका हूं, कौन सी है, 18वीं है, भारत होस्ट कर रहा है, कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर में, गेस्ट कंट्री कौन सा है, तो याद रखना बांग्लादेश है, बांग्लादेश जो है वो अतिथि देश है, थीम हो जाएगी, वैसे थीम बता देगा क्या हो जाएगी, तुम ही बताओ इंग्लिश में बताना, थीम क्या हो जाएगी, थीम क्या हो जाएगी, चलो ठीक है आगे बात करते हैं, अगली वाली क्लास का टाइम हो गया जल्दी से। भारतीय ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो याद रखना पीटी उषा बनी है, 1927 में इसका गठन हुआ था। इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन 1927 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा, हेडक्वार्टर हो जाएगा बेटा कहां पर, न्यू दिल्ली, ठीक है। पीटी उषा जो है जिनको अगर बात करें तो उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है, इसके अलावा और क्या नाम है पीटी उषा का, गोल्डन गर्ल, गोल्डन गर्ल एक और नाम है, कोई बताए तो, कोई और नाम बताए पीटी उषा का, पीटी उषा का एक नाम कोई और बताए जल्दी से, पीटी उषा का जल्दी से बता दो, ठीक है ना। और 1984 के ओलंपिक में याद रखना 400 मीटर रेस में ये फोर्थ प्लेस पर रही थी, फोर्थ प्लेस पर रही थी, बिल्कुल सी, बहुत बढ़िया। पायोली एक्सप्रेस, ठीक है आज का सेशन इतना ही, मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम, होपफुली आपको वो क्लास अच्छी लगी होगी, लगातार क्लास में आइएगा, होमवर्क लिख लीजिए, तिराना किस देश की राजधानी है, रम्मत किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, किस दिन को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाते हैं, मार्कमैनशिप कहाँ पर यूज होती है, भूपेन हजारिका स्टेडियम कहाँ पर है, कोयना बांध कहाँ पर है, उज्जैन किस नदी के तट पर है, विश्व सीमा शुल्क संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, और लास्ट में गुंतूर हवाई अड्डा वर्ल्ड वाइड वेब कब बनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर, और आईबीए का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास सर की है तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं, ठीक है ना, रीजनिंग की क्लास आपकी होने वाली है, चलिए अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद साथी।